ऊपर ले कमरे में देख देख क्या जाएगा बेटा। बाय 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 कर दे भाई बाय 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 बाय। है क्या हाल होता है, ये हाल होता है। क्या हो गया, नींद आ रही, जल्दी उठ गया सुबह में। हाँ एड़ी है, जल्दी उठ रहे हो भर दोपहरी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। अभी वाणी भी चली गई, एक्चुअली वाणी की तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी तो ये कल आए थे हॉस्पिटल, फिर अभी मॉर्निंग में ये लोग चले गए। वाणी की तबीयत ठीक है तो फिर हम लोग अपने काम में जुट गए, जो कि डेली अभी अभी आप बोलोगे कि सारे चारों तरफ फैला पड़ा है कचरा ही कचरा, तो धीरे धीरे से अभी इसको समेटते चलेंगे क्योंकि डेली ही काम चला ही रहता है तो यही हाल हो जाता है। फिर अगर डेली डेली मैं इसको क्लीन भी करती रहूं करवाती रहूं तो फिर दोबारा से ऐसा ही होना है, तो फाइनल ही फिर एक बार ये सारा होगा। पतिदेव अभी बात कर रहे थे फ़ोन पे और मैं कर रही थी सारा पानी, जो भी बॉर्डर नहीं लगाए हुए थे ना टाइल्स के पहले, वो बाद के लिए छोड़े हुए थे इन्होंने, तो उस सब में मैं पानी दे रही थी, फिर पक्के नहीं होते। थोड़ा सा यहाँ पे रिपेयर भी हुई थी प्लस्तर की, तो वो भी मैंने फिर अभी कवर अप किया और ऑलमोस्ट अभी काम कंप्लीट हो ही चुका है, पर अभी वही ना फाइनल टचअप में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और जितना भी फिर सारा ये है ना, हमने दरवाज़ा ऐसे ही लगवाया था टेम्परेरी कि भी कैसे फ़िट होगा, बाकी अभी दरवाज़ों की फ़िटिंग करना बाकी रह गया है। खिड़कियाँ जो बनवाई थी ना पल्ले बल्ले, तो वो सारे लगवा दिए थे, शीशे जो भी लगने थे वो भी लगवा दिए थे। और थोड़ा सा गलती हमसे ये हो गई थी कि हमें कलर पहले नहीं करवाना चाहिए था, लेकिन उनको भी शायद ज़रूरत थी उस टाइम पे, तो वो भी फ्री बैठे हुए थे कलर वाले, तो हमने भी मैं क्या चलो ऊपर भी एक बल्ब लगा दिए हैं सर, आपको किसी में जाना हो देखने चेक करने के लिए तो वो बल्ब था। मुझे लगा कि आप दिन में ही बल्ब से देखना चाहते हैं। चलो तो चलो जल्दी सर्विस करो। यहाँ पर अब हमारी सेटिंग शुरू हो गई है, मतलब पूरे घर में ना थोड़ा थोड़ा जहाँ पर भी कुछ भी मरम्मत होनी थी वो सब करवा रहे हैं, तो सारा ऊपर से लेकर के नीचे तक फैला पड़ा है। मैं सच बात बता रही हूँ, डेली आपको थोड़ा बहुत मैं जो भी करती हूँ ना शाम तक, वो उससे भी ज़्यादा बदतर हालत में हो जाता है। फिर वो जो पेटी हमने ऊपर रखवाई थी ना, उसको भी अभी अच्छे से मतलब मैनेज नहीं किया था, तो उसी के लिए मैंने नीचे छंटनी चली हुई थी, जिससे अब गर्मियाँ स्टार्ट हो रही है, सर्दियों के कपड़े क्लोज कर रहे थे, तो उसमें से जो उन चीज़ें निकली थी जो काम की हैं वो मैंने रख ली थी, जो काम की नहीं थी किसी को देने लायक थी वो मैंने उस तरीके से मतलब सारा शॉर्ट आउट कर दिया था, लेकिन ऊपर तक वो चीज़ें नहीं ला पाई थी क्योंकि टाइल्स का काम चल रहा था, ये लोग यहाँ पर सीढ़ी को रखने नहीं देते थे। फिर आज मैंने सोचा कि ये सब कर देते हैं, आज क्या मतलब दो तीन दिनों से लगे हुए हैं, थक जाते थे। देखिए जब खुद काम करवा रहे हो ना, अगर थोड़ी सी देर के लिए हम इधर से उधर हट जाते हैं ना, तो फिर कोई ना मतलब गलती करके निकल जाता है, फिर उसको सुधारने में और नुकसान हो जाता है, तो उससे बेटर होता है कि हम लोग साथ साथ ही चले रहे हैं इनके कि जहाँ पर जो हो रहा है। तो आजकल ना टांगे इतने बुरे हाल से थक जाती है ना, पूरा दिन भर खड़े खड़े ही अभी ऊपर जा रहे हैं कभी नीचे जा रहे हैं, फिर मुझे थोड़ा यूट्यूब का भी देखना पड़ता है, और यहाँ पर ब्लॉग मैं उतना प्रॉपर नहीं बना पा रही हूँ, डेली नहीं लेके आ पा रही हूँ, तो मुझे दूसरे वाले मतलब एक वीडियो हो जाता है मेरे से रेडी, पता नहीं क्यों ना आईज़ में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, सर दर्द हो जाती है, तो फिर मैं नहीं कर पाती जितना मतलब ज़्यादा लोड लूँगी तो क्या पता कुछ मतलब डरती मैं बहुत दूँ कि कल को आँखें वाँखें ही ना रही तो फिर क्या करेंगे, कुछ भी नहीं हो पाएगा, इसलिए मतलब थोड़ा सा ब्रेक ले रही लिया मैंने। और बाकी फिर ये जो भी था ये मेरे से पकड़ाते जा रहे थे, मैं ऊपर को रखती जा रही थी, तो रजाइयाँ जो फिर मैं क्या पेटी अब सेफ रहेगी ना, उसमें सारी चीज़ें फिर जो भी हमारी अगली सर्दियों में काम आनी है वो मैं सारी उधर चढ़ा दूँगी। यहाँ के लिए भी सारा कुछ मतलब डोर वगैरह बना के रखा हुआ है। अच्छा ये सब काम कर रहे थे बीच में, यहाँ पर ना काफ़ी लंबा सा जाम लगा हुआ था, तो हम भी देखने लग गए कि क्या हुआ। अभी ना नई बसेस लगी हैं इधर, मुझे बड़ी अच्छी लग रही थी, मैं कह चंडीगढ़ वाली बसें यहाँ कहाँ से आ गई, तो दो बसें थी ना इसलिए फिर जाम में फंस गया था। और अभी थक गए होते हैं शाम को तो ऑब्वियसली पनीर पतिदेव का फेवरेट, और ये फिर चाव से बनाने भी लग जाते हैं ना, तो मैं भी सोचती हूँ कि चलो कोई ना, क्योंकि फिर खाना भी बनाना है खड़ी होकर के इतनी देर, टांगें ऑलरेडी थकी हुई हैं, फिर बर्तन भी साफ़ करने को होते हैं,
फिर मैं के यहाँ पर थोड़ी सी हेल्प हो जाती है, तो फिर इनकी जो फेवरेट सब्जी होती है वही ज़्यादातर बनती है। आज मैं क्या मटर पनीर नहीं बनेगा, तो पनीर के साथ पालक, ये मैंने ना लोकल आए हुए थे बेचने तो उनसे पालक खरीद रखा था, ऐसा ऐसा है। और बाकी अभी ये मॉर्निंग का व्यू आपको दिखा रही हूँ, सुबह हो चुकी है, अभी 9 ही बजे, 8:30 के आसपास का टाइम है, धूप अच्छी खासी लगी हुई है। बाकी नंदी बड़ा परेशान था कि ये जो उसकी जगह थी ना मतलब बैठने की, तो ये यहाँ पे रेता वगैरह रहता था, आज यहाँ से रेता ख़त्म हो गया, मतलब टाइल का ऑलमोस्ट जो भी था वो ख़त्म हो गया है, बस अब फाइनल ही रह गया है। तो बस अभी नंदी की जगह खाली हो गई थी, आराम से बैठा है अपनी जगह पे, और आज जा करके इसको भी तसल्ली हुई, ऐसे आता था खाना खा करके चला जाता था, तो आज बड़े आराम से ये बैठा रहेगा। इसके बाद आज फिर ये प्लम्बर वाले भी हमने बुला लिए थे, तो ये सारी चीज़ें फिर मैं उनको दिखा रही थी कि भाई जो जो आपका काम का है, मीन्स सारा ही जो भी लगना, तो उनके काम का क्या, हाँ उधर ही तो लगना है सारा कुछ, पहले दिखा रहे थे हम लोग कि अच्छा ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, वो पूछ रहे थे ना कि भाई क्या लेके आए हो, कैसा है। ठीक बोल रहे हैं भैया, इतनी महंगी नहीं लगाने की, लोग यूज़ नहीं करेंगे ढंग से, और फिर रोज इतनी महंगी ले आंदी तेड़े बोल दी भाई, सो मैंने इतनी महंगी लेने जरूरी नहीं, तू बोलो नहीं बढ़िया चीजें लेंगे बढ़िया, फिर कर ले डेली डेली का सीट खानी है, एक कमरे का किराया पता करना होने चाहिए। हां कमरे का किराया लिया, और चीज जब तक तेरी लाइन ना, फिर ये अगली चीज कम हो जाओ ना, फिर तू सारे में कितने कितना कमरे का किराया। मैं बोली भैया को किराया का तो मत ही पूछो, अभी एक सिंगल रूम हमने 1300 में दे रखा है, एक 1800 में दे रखा है, मतलब जो 1800 वाला है उसके अंदर सेम वही फैसिलिटी है कि किचन बाथरूम हर एक चीज़ अंदर ही है रूम के साथ ही अटैच, और अभी नए का अभी हमने सोचा नहीं है कि क्या करेंगे, लेकिन ये बोलो कि हम इकट्ठा सारा सामान लेके आ गए थे, अब भी तो ट्रिपल प्राइस हो गए हैं। आज प्लम्बर आ गए हैं, ये शीट की फिटिंग चली हुई है यहाँ पे, ये देख सकते हो आप, तो आज इनर वगैरह जो भी है यहाँ पे मिक्सचर वगैरह वो सब लग जाएगा। ये एक यहाँ पे ये है, और मैं दूसरी तरफ आपको बताता हूँ, उस तरफ भी दूसरा बाथरूम है, तो एक शीट ये रखी हुई है ये, और यहाँ पे चली हुई है फिटिंग ये इस वाले बाथरूम की। और भी क्या हाल है, ठीक से ब्लॉग में बात भी नहीं कर पाते हैं, इतना शोर रहता है इसीलिए तो। और यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे थे जैसे टैब वगैरह लगा रहे थे ना, तो सारी चीजें एक बार तैयार। किसको देख रहे हो, ये बोल को गोल गप्पे का ठेला जब्त कर लिया पुलिस वालों ने, वाह इतने से जिगरदार कुत्ती जे ठहरा ये ना मुझे जिगरा ना बरबली हां ओ जिया ए ए ए ठहरा उन दोस्तों ए ए ए ए ए बिजली का कल ऑलमोस्ट हो गया था, बाकी अभी थोड़ा रह गया है, बाकी आज प्लम्बर का चला ही है सारा काम, और फिर जैसे सारा कंप्लीट हो जाएगा ना फिर ही मैं आपको अच्छे से दिखा पाऊँगी। हमने चीज़ें उसी हिसाब से लेकर के आए थे जैसे मतलब हम खुद यूज़ करें तो सारी कंफर्टेबल होनी चाहिए चीज़ें, तो उस तरीके से हम लोग लेकर के आए थे, ऐसा नहीं सोचा था कि हाँ किराए के हिसाब से। और बाकी ये देखिए मैं सफाई अभी जो लकड़ी वालों ने काम किया था ना ऐसे ही फेंक के चले गए हैं, तो ये सारी चीज़ें मुझे ही समेटनी पड़ती हैं, और सिर्फ उन्हीं की बात नहीं है, मैंने हर काम में ऐसा ही देखा चिनाई से लेकर के अब भी तक। बस इसके साथ फाइनल टच स्टार्ट है, टाइम का भी शायद यहाँ का तो आज की डेट में ख़त्म हो ही जाएगा लगता नहीं है, बनाना कल का दिन फिर से लग जाएगा, नीचे हमारा किचन बच जाएगा, थोड़ा अभी बॉर्डर है बाहर का यार, अभी यहाँ पे भी किचन में भी बहुत रह गया है, तो ये बोल रहे ना यहाँ पे वो चाहिए क्या चाहिए बेसिन बोल रहा है ये टूटी ना यहाँ टूटी है ये है ना वो क्या बोल रहे थे आप एंगल कॉफ है ना हाँ तो ये लाए तो थे कितने चाहिए और हमारे को चाहिए इसमें लगे 8 लग गए हैं ऑलरेडी अच्छा अब इसकी रूटी भी लाए वो सेड़ी वाली भैया
बिल्कुल सीधे रहा, नहीं तो फिर गड़बड़ है ना, इतने मतलब ही नहीं। चलो अभी शीट की फिटिंग भी हो गई, एक एक सेट ये लोग कंप्लीट करते जा रहे हैं ना, तो यहाँ पर शीट की भी फिटिंग हो गई, साथ में किचन में जो टैप वगैरह लगने थे वो भी लगा दिए। मैं आपको भी दिखाती हूँ कि किस तरह के टैप हैं। तो ये देखिए, ये वाले मेरे को अच्छे लगे थे ना, ऐसे अप डाउन करके सही रहते हैं। और बाकी अगर शावर जैसा वो एक्सटेंशन में भी लग जाता है। इसके अलावा फिर ये मिक्सचर की बारी आई, तो वही ना, हमने सारी चीज़ें मतलब अपने अकॉर्डिंग ली थी। अदरवाइज़ क्या करते हैं ना लोग रेंटल के लिए कि हाँ गर्म पानी का गर्म और ठंडे का ठंडा टैप लगा दिया, हो गया। और ये ना यहाँ पर अच्छे से फिट नहीं हो पा रहा था, तो मुझे मतलब सर दर्द हो गया था कि भाई अब ये बोल रहे कि ये सारा कुछ उखाड़ना पड़ेगा, ये वो है। तो वही चीज़ मैं गुस्सा आपके साथ भी शेयर कर रही थी। देखो लगी लगाई टाइल, ये देखो हमने बहुत रियलाइज किया कि ये जो घर का काम होता है ना, बहुत बड़ा हेडेक वाला काम होता है। अब किसी को बोल भी नहीं सकते, अगर एक को बोले तो दूसरा, दूसरे को बोले तो पहला, गलती किसकी है कोई पता नहीं। तो फिर जिन्होंने फिटिंग कर रखी थी ना पहले, तो उनको मैंने कॉल किया, भैया को, मैं क्या प्लीज़ आप आ जाइए देख लीजिए यहाँ पे। ये लोग आए, फिर इसने भैया ने मतलब इनको पता था ना कि किस तरह से एडजस्ट होना था, जैसे जिस भी हिसाब से अंदर को फिटिंग कर रखी है तो वहीं से एडजस्ट हो जाना था, टाइल वाइल तोड़ने की निकालने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन वही चक्कर है कि अभी जो जिसकी समझ में, ये अब काम ही कुछ इस तरह के होते हैं ना कि अगर सही से पकड़ में आ गए तब तो फटाफट हो जाता है, और अगर नहीं हुए तो फिर ऐसे ही बर्बादी, क्योंकि सब फिर छिन्नी हथौड़ा लेकर के आ जाते हैं और नुकसान हो रहा है हमारा, फिर सरदर्दी तो होनी ही है ना। फिर इन्होंने भैया ने ये लगा दिए, मतलब जो तीन मिक्सचर थे। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। तो यार आज का दिन ना इतना ज़्यादा थक गए ना भाई घोड़े यार। पहले तो वो प्लम्बर आया था, फिर उसमें जो वो फिटिंग करने आए हुए थे तो उसमें थोड़ा सा वो लगा नहीं, वो मिक्सचर नहीं लगा, फिर टाइलें तोड़ी हमने निकाली, बड़े मुश्किल से वो फिक्स हुए आज। और मुझे तो टेंशन हो गई थी, मैंने कहा यार तीन चार मिक्सचर लाए हुए, अगर ये यहाँ पे लगेंगे नहीं ना तो फिर कहाँ पे यूज़ करेंगे हम इसको। तो फिर चलो वंदना और ये वंदना से ही बात करते हैं। आज तो बस सरदर्दी हो गई है और दूसरी बात कि अब बिजली पानी का सब प्रबंध हो गया, ऊपर वाली फ्लोरी में प्लम्बर का काम भी निपट गया, बिजली का भी अभी निपटा नहीं है, अभी चला ही है, पर अभी मतलब शुरुआत हो गई, थोड़ा थोड़ा लग गया तो हमें भी तसल्ली हो गई। और मैं भूत बनी हुई हूँ आज। नहीं काम करो तो भूत ऐसे ही बनते हैं, पर ये है कि देखो लाइट पे लाइट की सारी फिटिंग होगी, फिटिंग मीन्स की स्विचेस वगैरह सारे लग चुके हैं, वो बस मेन सप्लाई से नीचे कनेक्ट करेंगे, वो सब मीटर भी हमने लगा दी है ऊपर। और प्लम्बर जो प्लम्बर का था काम वो आज आधा हो गया, मिक्सचर वगैरह टूटियाँ वगैरह लगा दी है, और बस टाइलों का भी ये ऊपर बॉर्डर रह गया है, यहाँ पे बॉर्डर और थोड़ा सा और काम है, तो मतलब एटलीस्ट 90% तो कम्प्लीट हो गया है, ओनली थोड़ा सा बचा हुआ है। तो बस अभी फिर दिखाएंगे आपको, कल सुबह दिखाते हैं क्योंकि मैं भूत बनी हुई हूँ कहीं आप डर ना जाए, इसलिए जल्दी से वीडियो को क्लोज कर देते हैं, ठीक है एंड कर लेते हैं। चलो फिर ठीक है, आज के लिए मिलते हैं, थैंक यू।